हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रोटोन प्लांट के बारे में। क्रोटोन प्लांट एक ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है, इसलिए इसे ह्यूमिक क्लाइमेट पसंद है और इसमें फ्लावरिंग से ज़्यादा इसकी पत्तियां अच्छी लगती हैं। ज़्यादा दम रंगीन पत्तियां इसकी रहती हैं। ये देखिए, मेरे पास तीन तरह का क्रोटोन है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, मेरे पास तीन तरह की वैरायटी है। बात कर ले इसकी सॉइल की, तो इसे एकदम खाद वाली मिट्टी एकदम पसंद है। इसमें ये एसिडिक सॉइल पसंद, इसे एसिडिक सॉइल पसंद है। इसे जितनी खाद वाली मिट्टी देंगे उतनी अच्छी उसकी लीफ आएगी। और इसकी लीफ जो नई निकलती है और सूख कर गिर जाती है, उसका मेन कारण ये रहता है कि इसमें आप ओवर वाटरिंग करते हैं, जिससे कि इसकी रूट में फंगस लग जाता है। उसकी वजह से इसकी नई लीफ गिर जाती है। और इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर 1 से 2 घंटे की धूप आती होगी, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, नए नए पत्ते निकालता है। इसे एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाएं। बात कर ले इसके पॉट की, तो इसे 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करता है और उससे बड़े गमले में लगाएंगे तो और भी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। ये देखिए, मेरा ये वाला जो येलो कलर वाला है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं हुई थी। और ये देखिए, ये जो ये वाली है, ये पत्ती वाला है, इसमें ओवर वाटरिंग हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी नई पत्तियाँ ख़राब हो गई थी। उसकी वजह से ये प्लांट लेगी हो गया था एकदम। और ये प्लांट ठंडियों के मौसम में ज़्यादा ख़राब होता है। इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसके ऊपर फोड़ ना गिरे, उससे ये प्लांट ख़राब हो जाता है। और ये इंडोर प्लांट है, इसे इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर रखे तो आप इसे हफ्तों की धूप दिखा दे, उससे इसके लिए काफ़ी होगी। और ये देखिए कि ये वाला भी है मेरे पास, इसकी मैं कटिंग लगाया था जो कि लग गई थी। इसे आप कटिंग से इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। अगर ये प्लांट क्रोटोन प्लांट अगर आपके गार्डन में नहीं है तो आपका गार्डन सुन्ना लगता है, इसलिए इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। और ये थी इसकी बेसिक जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो को